कि यदि वे हमें विधानसभा से आते हैं चुनके, तो याद रखिएगा अगर हजार को हवा चलेगा तो हजार को आदमी होगा, ना कि अनुप सिंह का अकेले होगा। चाहेंगे सुनो झारखंडियो, यदि आज फिर कटोगे, सुनो झारखंडियो यदि आज फिर कटोगे, पांच साल प्रदेश में जाके कटो। अपने आप को कहते हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो गैरवा ने जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनुप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पर गर्व मत कीजिए। यदि आपको जरा महतो पसंद नहीं लगता है, यदि आपको जरा महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है आप नक्ता में बदल सकते हैं, लेकिन अनुप सिंह रविंद्र पांडे को क्यों जाएगा भाई? यदि 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है, यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंद्र पांडे जी और अनुप सिंह जी को अगर वोट करते हैं तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादा के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादा को मारने पीटने वाले लोग कौन है? पुलिस की लाठी जब हमारे बाप दादा के बदन पे पड़ता था, वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लात जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनुप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों में से थे। क्या गलत कह रहे हैं भाई झारखंडियों? क्या गलत कह रहे हैं? आज यही बेरनो दामोदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दास्ता, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारो कितने हैं यही तो सवाल। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो सुनील महतो ने शहादत दिया। अरे भाई तो मारने वाला कौन? हाँ हमारे बाप दादा मरे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन? जान लेने वाले कौन? यही अनुप सिंह और रविंद्र पांडे, ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनुप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूँ, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान लिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई? हमने गर्दन कटाई, उन्होंने गर्दन कटी, और आज वे विधायक बन के जाएंगे, आज वे यहाँ से मंत्री बनकर जाएंगे, ये सब उनकी बात है। यदि अपने आप को कहते हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो गैरवा ने जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनुप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पर गर्व मत कीजिए, झारखंडी होने पर गर्व मत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आज 24 साल के बाद कोई कहते आपसे साफ साफ कहता है आपको जरा महत्व नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनुप सिंह को वोट करते हैं झारखंडी होने पर गर्व मत कीजिए, शर्म कीजिए, झारखंडी होने पर शर्म कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ जाके आपने संघर्ष किया, आज उन लोगों को अपने सत्ता दे दिया, जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादा ने गर्दन कटाया, आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे, आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। अरे भाई बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनुप सिंह जी, क्या झारखंड की सेवा करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी भित्री करता है, अरे कौन कहता है बाहरी भित्री? किसी धनबाद लोकसभा से
तीन बार के सांसद थे कॉमरेड ए के राय, आज भी उनको हम लोग सब को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं तीन बार एमपी थे, तीन बार विधायक थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा हजार को हैवा फैला, न अमित सिंह के जैसा दिन में एक करोड़ का कोयला बेचा। उन्होंने कॉमरेड ए के राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ था, उससे पहले वो आए थे। भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले कॉमरेड ए के राय धरबाद में आके बसे थे। लेकिन आज भी धरबाद की जनता, कोयलांचल की जनता कॉमरेड ए के राय को माथा झुका के प्रणाम करते। क्यों? न उनको जो विधायक का पेमेंट मिलता था, उनको जो सांसद की सैलरी मिलती थी, उसमें सुनते 500 रुपया रखते थे चाय पीने के लिए, खैनी पीड़ी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में दान करते थे। हम आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया? पांच बार सांसद बेरमो में जो जमीन है ये है, तो चाची में आपने सुना क्या वाटर बोर्ड, तो चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड में अगर जंगले खरीद लिया है रविंद्र पांडे, और आप बोलेंगे इनकी तुलना आप कॉमरेड ए के राय से करें, आप बोलेंगे ए के राय के पद पे इनको माने नहीं मानेंगे। इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है, इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाएगा तो चाची प्रखंड का पवापुर पंचायत अपने गाँव का जमीन खरीद लिया है, दो पब्लिक स्कूल बनाया है, एक हॉस्पिटल बनाया है, पूरा आधा सतीरा का जमीन खरीद लिया है, और आप कहेंगे इनको हम माने? आप वही चाहते हैं भी पड़ी है, आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए हैं। इसलिए लड़ाई बाहरी भित्री की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है। अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने पे गर्व करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, एक होगा झारखंडी, कम से कम मानव सिंह और रविंद्र पांडे से सीखे। जब लोकसभा का वोट होता था, बैरों के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है? कमर छाप में। रविंद्र पांडे साहब को, और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था, वही बैरों के लोग कहां वोट दबाते थे मालूम है? हाथ छाप में, अनुप सिंह के पिताजी को, आनंद सिंह के पिताजी को, वही जनता, वही बैरमो की जनता, लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में राजेंद्र, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन झारखंड की जनता इस पर नहीं समझ पाए, झारखंड की जनता इसीलिए आज बट गई है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, पांच साल प्रदेश में जाके खटोगे, यदि आज फिर बचोगे, पांच साल प्रदेश में जाके खटोगे। आज बैरमो में क्या नहीं है बताइए? आज हमारे पटने के कारण हमारे पास कुछ नहीं है, आज बैरमो में क्या नहीं है? अरे नजर उठा के देखिए, बैरमो यानी BTPS, बैरमो यानी CTPS, बैरमो यानी CCL, बैरमो यानी DVC, बैरमो यानी अनगिनत कोयला के खदान, बैरमो यानी कोयला, बैरमो यानी बालू, बैरमो यानी बिजली, बैरमो यानी तरह तरह के मिलान। मंच में जवाब दीजिएगा हमारे दोनों विधानसभा की प्रत्याशी पूजा माता जी आई है, हाँ इसको सम्मान पूर्वक बैठाइए। क्या गलत बोल रहे हैं आप? उत्तर दीजिए, क्या गलत बोल रहे हैं? बैरमो का परिचय कोयला के खदानों से, बैरमो का परिचय
एक कोयला के खदान में एक दिन में एक करोड़ से बर्मा का परिचय एक कोयला के खदान में एक करोड़ से ये बर्मा है। और आप अगर आप बोलोगे अगर आज आप आपस में फोटो में तो याद रखिएगा प्रदेश में जाके फोटो। इसलिए आज इस बात को कहना चाहेंगे आज साफ और साफ इस बात को कहेंगे कि यदि बेरमो विधानसभा से आते हैं चुनके तो याद रखिएगा अगर हजार को हवा चलेगा तो हजार को आदमी होगा ना कि अनुप सिंह का अकेले होगा। यदि बेरमो की नियति में कोयले की कमाई रखी है तो कोयले की कमाई जारी रहेगी। इस बार झारखंडी भगवान ही कोयले की कमाई के हकदार होंगे। यदि कोयले की कमाई झारखंड की नियति है तो आज मैं कहना चाहूंगा कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंड के लोग धुआं नहीं कोयले के अधिकार जमाएंगे, इस बात की गारंटी है। झारखंड के तमाम वर्ग, झारखंड के हर एक समाज को, झारखंड के बर्मा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जो समाज वर्ग है, मैं आप सबको वचन देना चाहूंगा, चाहे वो जनरल सोसाइटी समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, हर एक समाज को चाहे डीलर है या टेंडर है, आउटसोर्सिंग है, हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की गारंटी है।